तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है रूट ऑफ लंग्स। और एक्चुअली में ये जो रूट ऑफ लंग्स जो है ये अपनी पार्ट टू वीडियो है अपनी लंग्स के ऊपर। इससे पहले अपन ने इसकी पार्ट वन वीडियो में देखा था कि लंग्स के कौन कौन से लोब्स होते हैं और इसके क्या फीचर हैं। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे रूट ऑफ लंग्स के बारे में। तो रूट ऑफ लंग्स को समझाने से पहले मैं आपको वापस से प्लूरा रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने अपनी प्लूरा की वीडियो में देखा था कि जो लंग्स है उसको एक सीरियस मेम्ब्रेन कवर करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्लूरा। अब जो प्लूरा जो है, जो लंग्स की कवरिंग जो है, ये एक्चुअली में क्या होती है, डबल लेयर की होती है। आउटर को ऊपर कहते हैं पैराइटल प्लूरा और इनर को अपन कहते हैं विसरल प्लूरा। अगर तुम इस डायग्राम में भी देखो तो ये क्या है, ये अपना लंग्स है। तो लंग्स के जस्ट आउटसाइड में क्या होगी, ये होगी विसरल प्लूरा और उसके ये वाले साइड में आपकी होगी, आउटर में होगी आपकी पैराइटल प्लूरा और इन दोनों के बीच में है आपकी प्लूरल कैविटी। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया था कि ये जो प्लूरा जो है ये एक्चुअली में क्या करती है, ये अपने पूरे लंग्स को कवर करती है एक्सेप्ट हाइलम। तो आप बोलोगे हाइलम क्या है, तो मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था, एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो क्या होता है, पूरे लंग्स को जो है प्लूरा कवर करवा रही है एक्सेप्ट हाइलम। ये जो एरिया है ना, इसको अपन बोलते हैं हाइलम या फिर रूट ऑफ लंग। एक्चुअली में जो रूट ऑफ लंग जो है ये अपन उस एरिया को बोलते हैं लंग्स के, जो लंग्स का ये क्या है, ये है मीडियल सरफेस। और मीडियल सरफेस में भी जिस एरिया में कुछ जैसे कि ब्रोंकस हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, वो क्या कर रहे हैं, लंग्स में एंटर कर रहे हैं। और पल्मोनरी वेन क्या है, वो लंग्स में एग्जिट कर रही हैं, लंग्स के बाहर जा रही हैं, कम आउट हो रही हैं। तो जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आ रहे हैं और जो स्ट्रक्चर इसके बाहर जा रहे हैं, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसका बना लेते हैं रूट ऑफ लंग्स। तो क्या होता है, इतने एरिया को मीडियल सरफेस के वो वाले स्ट्रक्चर जो कि आपके लंग्स के अंदर आ रहे हैं और लंग्स के बाहर जा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ लंग्स और हाइलम। तो ये जो हाइलम जो है ना, क्या करता है, पैराइटल प्लूरा जो है पूरे लंग्स को कवर करता है, सिर्फ ये हाइलम वाले पार्ट को जो है ना वो कवर नहीं करता। तो वहाँ पे वो क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये फोल्ड, ये पैराइटल प्लूरा का ही फोल्ड है। तो क्या करता है, पैराइटल प्लूरा पूरे लंग्स को कवर करके इधर आपके हाइलम को चारों तरफ आपके हाइलम के अंदर आ जाता है, उसको ऐसे कवर कर लेता है। और यहाँ पे डाउनवर्ड हल्का सा जो पैराइटल प्लूरा जो है वो पूरा हाइलम को कवर करने के बाद हल्का सा उसका डाउनवर्ड नीचे एक्सटेंशन हो जाता है, और इसी डाउनवर्ड एक्सटेंशन को अपन बोलते थे पल्मोनरी लिगामेंट। तो मैंने आपको पल्मोनरी लिगामेंट की सेपरेट वीडियो भी है, आप आई बटन पे इसका अलग से पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि पल्मोनरी लिगामेंट एक ट्रू लिगामेंट नहीं होता, एक्चुअली में क्या रहता है, जो पैराइटल प्लूरा जो है इसी के डाउनवर्ड एक्सटेंशन को ही अपन बोलने लगते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो रूट ऑफ लंग जो है ये किससे बन रही है, रूट ऑफ लंग जो है फॉर्म हो रही है बाय स्ट्रक्चर, वो वाले स्ट्रक्चर से विच आइदर एंटर, जो कि एंटर कर रहे हैं, और कम आउट ऑफ लंग्स, और लंग्स के जो बाहर जा रहे हैं, कम आउट हो रहे हैं एट हाइलम। तो इससे आपको बनाता है रूट ऑफ लंग्स। और रूट ऑफ लंग्स कहाँ पे रहता है, रूट ऑफ लंग्स जो है एक्चुअली में 5, 6, 7 यहाँ पे अगर अपन देखें इसके पीछे क्या होगा, वर्टिब्रा होंगी। तो 5, 6, 7 थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल में ये आपका रूट ऑफ लंग्स रहता है। तो आज अपन इस वीडियो में पूरा यही जानेंगे कि रूट ऑफ लंग्स के कंटेन क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं, देन वो कंटेन किस तरीके से अरेंज है, देन अपन अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे, देन फिर अपन इसका देखेंगे रिलेशन। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और अपना अल्टीमेट मेन एम यही है कि अपन को यूनिवर्सिटी एग्जाम में रूट ऑफ लंग्स को लिख के आना है। तो सबसे पहले अब अपन इसका देख लेते हैं कि रूट ऑफ लंग्स के कंटेन, रूट ऑफ लंग्स के कंटेन क्या होते हैं। तो इसके लिए ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा है। अगर आप यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम जो है ये इसी को मैंने फिर से एक बार अच्छे से बहुत क्लियर वे में बना दिया। अभी जो डायग्राम है ये एक्चुअली बीडीसी का ही डायग्राम है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ रूट ऑफ लंग्स का कंटेन। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, ये आपका है इंटीरियर साइड। अगर मैं इस डायग्राम में भी दिखाऊँ ये क्या है, ये है इसका इंटीरियर साइड। तो इस साइड जो है ये है इंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ये है सुपीरियर और ये है इन्फीरियर। अब आपको क्या करना है, इसको याद करने के लिए जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा ना वैसे ही याद करना, मतलब उसको तुम रटो मत, उसको तुम समझ लो। सबसे पहले लंग्स है, तो लंग्स में क्या एंटर होता है, अपन को पता है लंग्स में सबसे पहले एंटर होगा आपका ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया जो है ये एक्चुअली में क्या करता है, ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग का मैं रूट ऑफ लंग्स दिखा रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में ट्रैकिया जो है, ये जो ट्रैकिया है ये एक्चुअली में क्या करता है, दो प्राइमरी ब्रोंक्योल में डिवाइड हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में
एक ही प्राइमरी ब्रोंक्योल है, तो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो। तो राइट साइड में क्या है, जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है वो एक्चुअली में आपके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अपर वाले का अपन बोलेंगे ई पार्शियल ब्रोंकस और नीचे वाले का अपन बोलेंगे हाई पार्शियल ब्रोंकस। हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप एक चीज़ इसका कंसेप्ट बना लो कि जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है वो एक्चुअली में टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ई पार्शियल ब्रोंकस, दूसरा हाई पैराइटल ब्रोंकस। तो ये अपन ने सबसे पहले अपन बनाएंगे रूट ऑफ लंग्स, देन आप उन दोनों रूट ऑफ लंग्स में सबसे पहले आप बनाना इसके प्रिंसिपल ब्रोंकस। तो अपन ने बना लिया प्रिंसिपल ब्रोंकस। उसके बाद लंग्स में क्या एंटर होता है, लंग्स में आपका एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब आप बोलोगे कि पल्मोनरी आर्टरी तो राइट से दिखानी चाहिए, यहाँ से आप ब्लू क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होता है, सिर्फ अपनी बॉडी में सिर्फ यही पल्मोनरी आर्टरी है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वरना सारी आर्टरी जो है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो अगर आप बोलोगे कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं कर रही तो आप उसको वेन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि क्या है आर्टरी और वेन की ये डेफिनेशन नहीं होती कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करें वो आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे वो वेन। एक्चुअली में ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, आर्टरी की डेफिनेशन ये होती है जो कि लंग्स से खून अवे ले जाए, लंग्स से ब्लड अवे ले जाए, उसको बोलते हैं आर्टरी। अब क्या होता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, कहाँ पे, लंग्स में। तो इसलिए लंग्स, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी को जो है अपन आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड जो है हार्ट से अवे ले जाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड रहता है अपने डी ऑक्सीजनेटेड, इसलिए अपन इसको बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने क्या इसको आपको डीप में, आपका इसका डीप में जाके इस कंसेप्ट का मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये आर्टरी क्यों है। तो अपन ने इसको बोला राइट पल्मोनरी आर्टरी, इस साइड भी एक, इस साइड भी एक। उसके बाद आप बनाना पल्मोनरी वेन। अब क्या होता है लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया और उसमें भर दी उसने ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है यहाँ से, वो ले जाता है पल्मोनरी वेन। यहाँ पर दो पल्मोनरी वेन है, एक सुपीरियर और इन्फीरियर, पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन। उसके अलावा अपन ने वेन देख ली, आर्टरी देख ली, तो अपन देखेंगे इसमें कुछ नर्व्स। तो इसमें क्या होते हैं दो नर्व्स के होते हैं प्लेक्सेस, एक बना देना इंटीरियर दूसरा बना देना पोस्टीरियर। तो यहाँ पर रहते हैं आपके इंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस, नर्व के दोनों साइड बना देना सेम है। देन फिर यहाँ पे क्या रहते हैं लिम्फ नोड जो हर जगह जाते हैं, ब्रोकियो पल्मोनरी लिम्फ नोड। तो अपन ने दो ब्रोकियो पल्मोनरी लिम्फ नोड अपन बना देंगे। उसके अलावा जो अपना जो ब्रोंकस जो था उस ब्रोंकस के लिए सेपरेट ब्रोंकस की आर्टरी और ब्रोंकस की वेन होगी। तो पूरा का पूरा मैंने आपको रूट ऑफ लंग्स था और रूट ऑफ लंग्स के सारे जो कंटेन होते हैं वो मैंने बता दिए। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि रूट ऑफ लंग्स के क्या क्या कंटेन है, सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रोंकस, उसके बाद एक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एक ही होती है याद रखना, फिर पल्मोनरी वेन, फिर जो ब्रोंकस था उसकी आर्टरी उसकी वेन, फिर इंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस, उसके बाद अपन लिखेंगे इसका एक लिम्फ नोड जिसको अपन कहते हैं ब्रोंकियो पल्मोनरी लिम्फ नोड। देन अब अपन देखते हैं अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ये जो अपना रूट ऑफ लंग जो है इसमें सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं भी बना दिए हूँ, कहीं भी आप ये बना दो आर्टरी वेन, नहीं है, बिल्कुल अरेंज होते हैं, आपको इसी तरीके से बनाना है इसको सीक्वेंस में। तो इसकी अरेंजमेंट यार याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ अपन को। बेसिकली यार अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो मैं यही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ, चाहे 3D मॉडल दिखाने पड़े, डायग्राम मुझे बना के बताना पड़े आपको, मैं चीज़ों को रटने के बजाय मैं आपको समझाता हूँ और ट्रिक्स देता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाओ लॉन्ग टाइम तक। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सारे के सारे एनाटॉमी के कंसेप्ट आने वाले हैं। तो आपको मैं इसके रिलेशन याद करने की ट्रिक अपन ने बताता हूँ, अपन ने हर रिलेशन बाउंड्री कंटेंट को कैसे याद करा है, अपन क्या करेंगे इसका डायग्राम याद कर लेंगे, देन जो डायग्राम में है वो एज इट इज़ अपन इसके रिलेशन में लिख देंगे। मेन यही है एनआरटीमी में, जितने डायग्राम याद कर सकते हो ना यार उतने डायग्राम याद करना है बजाय थ्योरी पढ़ने के, ठीक है। तो अपन ने इसका डायग्राम याद कर लिया, देन इस डायग्राम में अगर अपन देखें अपन अरेंजमेंट देखते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इंटीरियर से पोस्टीरियर, ये है इंटीरियर ये है पोस्टीरियर। तो अगर इंटीरियर में अपन सबसे पहले देखें तो क्या आ रहा है, पल्मोनरी वेन, देन पल्मोनरी आर्टरी, फिर ब्रोंकस। सिमिलरली लेफ्ट में जो है एज इट इज राइट में भी है, इंटीरियर से पोस्टीरियर में अपन जाएं, पहले वेन फिर आर्टरी फिर ब्रोंकस।
तो पहले इसके अरेंजमेंट आप ऐसे लिखना, पहले डायग्राम बना के फिर उस डायग्राम को देख के आप इसके अरेंजमेंट आराम से लिख सकते हो। तो उसको याद करने के बजाय इस तरीके से कर लेना। तो पहले अपन अरेंजमेंट देखेंगे इंटीरियर और पोस्टीरियर, जो मैंने आपको बताया दोनों साइड में सिमिलर है। लेकिन अगर अपन अबव से ऊपर से नीचे जाएं, अबव से डाउन देखें, तो लेफ्ट के अलग तो राइट के अलग होंगे और लेफ्ट के अलग होंगे। तो राइट के मैं बताऊं राइट के कैसे रहते हैं। राइट में सबसे पहले क्या आएगा आपका, ई पार्शियल ब्रोंकस, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, फिर हाई पार्शियल ब्रोंकस, उसके बाद इन्फीरियर वीने, इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से होता है। भाई अपन लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट के अलग क्यों हैं, क्योंकि लेफ्ट में क्या सिर्फ एक ही प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, इसलिए लेफ्ट के अलग होते हैं। तो लेफ्ट में सबसे पहले आपका आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी, फिर ब्रोंकस, फिर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन। तो आप बड़े इजीली इसके सारे के सारे रिलेशन, आप तो बहुत इजीली आप सारे के सारे इसके जो है अरेंजमेंट आप लिख सकते हो अगर आपको डायग्राम आता है तो। देन फिर अपन इसके अंदर देखते हैं इसके रिलेशन, के जो इसके रिलेशन जो है रूट ऑफ लंग्स के क्या है। तो यार रूट ऑफ लंग्स के रिलेशन भी ना मैं तुम्हें इसको करने की ट्रिक बता देता हूँ। अपन ने इसकी पार्ट वन वीडियो में ये जो अपने जो लंग्स हैं उसकी मीडिया स्टेनम स्ट्रक्चर की वीडियो देखी थी अपन ने कि क्या क्या रिलेशन होते हैं। अगर तुमने मेरी वीडियो वो नहीं देखी तो तुम्हें लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप इसकी पार्ट वन की वीडियो देख लेना, आपको सारे रिलेशन अच्छे से मैंने याद करवाए थे। तो अगर तुमने वो देख रखी है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, देन तुम इसको कंटिन्यू कर लो। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं, तो ये क्या है, ये है रूट ऑफ लंग्स राइट का और ये है लेफ्ट का रूट ऑफ लंग्स। तो जो रूट ऑफ लंग्स जो है आप क्या करना है, इसके रिलेशन को बताने के लिए इस डायग्राम में वो जैसे जैसे रिलेशन बना रहा है ना रूट ऑफ लंग, जैसे कि इसके इंटीरियर में, पोस्टीरियर में, सुपीरियर में, वही का वही अपन इसके अंदर लिखेंगे। तो आप साइड में क्या करना, अगर रूट ऑफ लंग का शॉर्ट नोट आता है कॉम, एक पेंसिल से छोटा सा डायग्राम बना लेना, फिर इसके हिसाब से देख देख के सारे लिख लेना, बजाय रटने के। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ ताकि वो और लॉन्ग टाइप में रहें। तो क्या मैं तुम्हें हर वीडियोज़ में ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ ताकि तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़े, इसलिए तो बोल रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर लो तुमने अगर अभी तक नहीं करा हो तो। तो फिर इसके रिलेशन में अपन देखें इंटीरियर में, है ना। अब रूट ऑफ लंग्स के जो इंटीरियर के कुछ रिलेशन है जो कि दोनों साइड कॉमन है, सबसे पहले अगर आप उसमें इंटीरियर में देख रहे हो, येलो से मैंने क्या बताया था, ये आपकी फ्रेनिक नर्व। तो सबसे पहले दोनों साइड फ्रेनिक है, इस साइड भी फ्रेनिक है और इस साइड भी फ्रेनिक नर्व है, उसके बाद पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स भी हैं। फिर अपन देखें राइट में, राइट में क्या है सुपीरियर में, आपका सुपीरियर वीन है कावा। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया था इसलिए मैं इसको बस डायरेक्ट देख के बता रहा हूँ, आप चाहो तो पहले इसकी वीडियो भी देख लो अगर नहीं देखी तो। फिर अपन देखते हैं पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर रूट ऑफ लंग्स के पीछे क्या होता है, रूट ऑफ लंग्स के हमेशा पीछे दोनों साइड में कॉमन क्या है, वेगस नर्व एंड वेगस नर्व। देन लेफ्ट साइड में नीचे वाले लेफ्ट में अगर देखें तो इसके पोस्टीरियर में क्या आ रहा है, आपका आ रहा है डिसेंडिंग थोरोसिक ओर्टा, तो इसमें आ रहा है डिसेंडिंग थोरोसिक ओर्टा। देन अपन सुपीरियर रिलेशन देखते हैं अब राइट के, तो राइट के सुपीरियर रिलेशन किससे बन रहा है, ये क्या है, ये सुपीरियर वीने कावा है, और सुपीरियर वीने कावा से क्या निकलती है, मैंने आपको बताया था ना सुपीरियर वीने कावा सबसे निकलती है एजाइगस वेन, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन। और लेफ्ट के ऊपर क्या है, लेफ्ट के ऊपर है आर्च ऑफ ओर्टा। और तुम मेरी ट्रिक से करोगे ना तो पूरा रूट ऑफ लंग जो है ना तुम्हारी फिंगर टिप्स पे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, और आधी रात में भी कोई तुमसे पूछेगा ना तो तुम बता पाओगे, क्योंकि तुमने इनको रटा नहीं है, तुमने इनको समझ के ट्रिक्स बना के याद कर लिया है, ठीक है ना। तो उसके रिलेशन के लिए अपन, तो उसके अरेंजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, इस डायग्राम से लिख लेंगे, और रिलेशन के लिए अपन इस तरीके से कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है। रूट ऑफ लंग्स जो है ना ये यूनिवर्सिटी में आपका शॉर्ट नोट में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यार एक शॉर्ट नोट के लिए। तो अब जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है ना उसी सीक्वेंस में लिखना, और ये बिल्कुल सफिशियंट अमाउंट है। सबसे पहले अभी डेफिनेशन लिख देना कि रूट ऑफ लंग्स क्या है, ये क्या है, ये आपका शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल है विच कनेक्ट द मीडियल सर्फेस ऑफ लंग्स टू मीडियल स्टेनम, मतलब सही बात है ना, जो लंग्स का जो मीडियल सर्फेस है उसको मीडियल स्टेनम से कनेक्ट कर रहा है। फिर कैसे फॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चर विच आइदर एंटर और कम आउट, जो स्ट्रक्चर अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। फिर ये कहाँ पर लाइन करता है, 5, 6, 7 थोरसिंग वर्टिब्रा के लेवल पर लाइन करता है। फिर लिखना कंटेन, मैंने यहाँ पे यार गलती कर दी, मुझे कंटेन क्या थे दोनों के अलग अलग बताने थे, जैसे कि राइट के सारे कंटेन अलग लिखने थे, लेफ्ट के सारे कंटेन अलग लिखने थे,
एक्चुअली में जब मेरा सेशनल एग्जाम हुआ था मेरे फर्स्ट ईयर में, तो ये मुझे क्वेश्चन आया था, तो मैंने क्या करे थे इसके सारे कंटेंट एक साथ लिख दिए, तो मैम ने क्या कुछ मेरे नंबर काट लिए। तो फिर मैं जब गया मैम के पास, तो मैम ने बोला अगर तू इसके दोनों कंटेंट अलग अलग लिखता, राइट के अलग लेफ्ट के अलग, तो मैं तुमको पूरे मार्क्स दे देती। तुम क्या मेरी गलती से सीखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमसे कंटेंट जो है ना अगर अलग अलग लिखते हो ना, राइट के अलग लिख देना, जो जो भी इस डायग्राम में वो राइट में लिख देना, फिर कंटेंट ऑफ लेफ्ट लंग करके लेफ्ट के सारे लिख देना, तो क्या होंगे एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होता है किसने क्या है अच्छे से लिखा है, क्योंकि आपको क्या मेन होता है रिप्रेजेंट, आप किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने। तो तुम उसको अलग अलग लिखना, फिर इसके सारे अरेंजमेंट लिख देना जो मैंने आपको बताया, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, अप से डाउन, देन इसके सारे रिलेशन तुम लिख देना। अगर तुम ऐसा लिखोगे उसके बाद ये सिर्फ एक डायग्राम, ये एक डायग्राम उसके अंदर बना के आ जाना, तो तुम्हें क्या बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अपने शॉर्ट नोट में। और अगर तुम्हें इसके HD नोट्स चाहिए हो तो मैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे तुम्हें ये प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा इसकी जो Part 3 वीडियो है यार, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो जो Part 3 वीडियो है वो एक्चुअली में आपके ब्रोंकल ट्री जो होता है ना, ये उसके ऊपर है। अब क्या ये स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आती, तो मैंने यार तुम्हारे लिए उसका क्या करा, 3D मॉडल ही बना दिया कि ब्रोंकल ट्री को तुम क्या, अब मैं तुम आराम से 3D में समझा दूंगा, क्योंकि क्या ये ऐसे समझ में नहीं आता। 2D में देखो ना तो क्या फिर अपन रटने लगते हो, रटने वाला काम अगर तुम दिजौरी देख रहे हो यूट्यूब चैनल तो उसमें है ही नहीं, सब तुम्हें समझाएंगे और पूरी पूरा फिंगर टेस्ट का करवा दूंगा मैं तुम्हें। उसके अलावा इसकी एम्ब्रोलॉजी और हिस्टोलॉजी की वीडियो भी मैं अलग से डाल दूंगा, लिंक आई बटन पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।